अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब सलामत रहे और हमेशा खुश रहे। आज के इस वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ तनिषा अली, आपको लेकर आई हूँ मेरी किचन में। जैसे कि आज मैं बताने जा रही हूँ 1 kg जीरा राइस की रेसिपी। तो देर किस बात की फ्रेंड, जल्दी से इंग्रीडियंट्स नोट कर लीजिएगा और आपके घर में तैयार कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए हरा धनिया, मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है, और थोड़े से पुदीने के पत्ते, और 10 से 15 हरी मिर्चें जो मैंने एक में दो करके इस तरह से रख ली हूँ, और थोड़ा सा करी पत्ता, और 1 स्क्वीज किया हुआ लेमन, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जैसे के बिना जीरा राइस बिना जीरे के नहीं होता, उसी तरह आपको डालना है जीरा। तो आपको क्या करना है, जीरा लेना है 2 टेबलस्पून जीरा, और 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 सिनेमन स्टिक, 2 तेज पत्ता, और साथ में चाहिए आपको घी और ऑयल। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पैन को करिए हीट, और इसमें आप ऐड कीजिए सबसे पहले ऑयल, थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कीजिए, यानी कि 3 टेबलस्पून ऑयल, और 1 टेबलस्पून आपको ऐड करना है घी। अगर आप चाहे तो घी भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो नेक्स्ट इसमें आप ऐड कीजिए जो जीरा है, हरी इलायची है, तेज पत्ता और सिनेमन स्टिक। जल्दी से रोस्ट कीजिए, आंच को करिए धीमी, और उसमें आप ऐड कीजिए नेक्स्ट ये हरे हरे इंग्रेडिएंट्स जो है, हरी मिर्ची, पुदीना, हरा धनिया और करी पत्ता। ये देखिए, अच्छे से इस तरह से रोस्ट करना होगा आपको। आंच को धीमी करके करिए क्योंकि जीरा जलने के चांसेस है। अगर जीरा जल गया ना तो समझिए आपका जीरा राइस खराब हो गया। नेक्स्ट उसमें आप ऐड कीजिएगा स्वाद अनुसार नमक, जो मैं आमतौर पे नॉर्मल मोटा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे 2 टेबलस्पून, यानी कि तकरीबन 2 या 1.5 टेबलस्पून आपको ऐड करना होगा नमक, और अच्छे से हिलाइए हिलाइए। नेक्स्ट उसमें ऐड कीजिए हिलाने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से रोस्ट कीजिएगा कच्ची स्मेल जाने तक। मैंने यहाँ पे 3 मिनट्स तक ढक्कन ढक के रखा है ताकि अच्छे से मसाला ना अच्छे से स्मेल आ जाए इसकी, और अच्छे से रोस्ट हो जाए। बस आंच को धीमी रखेगा। नेक्स्ट आप ओपन कर लीजिएगा, नेक्स्ट हिलाइए। ये चिपकता रहेगा, आप अच्छे से हिलाइए इसको। तकरीबन मैंने 2 मिनट तक रोस्ट कर ली हूँ, अच्छी सी मजेदार खुशबू आ रही है। इसी वक्त आप ऐड कर लीजिएगा इसमें वाटर, यानी कि मैं इसमें 1 kg राइस के लिए ले रही हूँ, यानी कि 4 ग्लास ऑफ चावल के लिए तकरीबन मैं ली हूँ 8 ग्लास ऑफ वाटर, 8 ग्लास पानी। ठीक है, पानी ऐड करने के बाद अब ऐड कीजिए लेमन। माशाल्लाह, अभी ये वाटर बॉईल होने का इंतजार करेंगे। आंच को करिए हाई और वेट कीजिएगा। हमारा पानी पक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस टाइम पे आप ऐड कीजिए चावल जो मैंने पहले से ही हाफ एन आवर बिफोर भिगो के रखा था। तो ये देखिए, नॉर्मल चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो बासमती राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से चलिए इसमें पानी को निकाल दीजिए और अभी ऐड करते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी ऐड करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अभी सारा चावल हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह,
ये देखिए अभी माशाल्लाह। चलिए अभी पूरा डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मैंने पूरा चावल डाल दिए हूँ इसमें। अभी आप बॉईल होने के लिए रख दीजिएगा। तो तब तक बॉईल होए तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि हमारा चावल अच्छे से बने। ठीक है, चलिए अब भी लिड को कर देते हैं क्लोज और इंतजार करते हैं बनने का। आप बीच बीच में चलाते रहिए इसको। ये देखिए ऑलमोस्ट पानी हमारा इसमें सूख गया है और अभी आया है इसको मतलब दम लगाने का वक्त। चलिए अभी लगाते हैं इसको दम। ऑलमोस्ट पानी पूरा कम हो गया है तो चलिए अच्छे से हिला के इसको रख देते हैं स्टीम पे तकरीबन 5 मिनट्स तक। गैस की फ्लेम को कम्प्लीटली आप पूरी तरीके से कम कर दीजिएगा। ठीक है,